आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में शुक्रवार को जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या अब 23 बची है। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या भी घटाकर अब 6 कर दी गई है। ताज़ा मामले में बाहर से लौटे 7 श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 3 श्रमिक दिल्ली से, 2 श्रमिक महाराष्ट्र से और 2 श्रमिक गुजरात से लौटे थे। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने बताया कि जिले में अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और हॉटस्पॉट इलाकों में कोई अभी राहत नहीं दी जाएगी। जनपद सहारनपुर में अभी जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या टोटल 23 है और कुल केसेस की संख्या 212 है। कल यहां पर जनपद में 7 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 3 केसेस दिल्ली से लौटे हुए श्रमिक के हैं, 2 केसेस महाराष्ट्र से लौटे हुए श्रमिक के हैं और 2 केसेस गुजरात से लौटे हुए श्रमिक के हैं। इसलिए जो भी जो नए 7 केसेज आए हैं वो हम लोगों के जो माइग्रेशन के कारण जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम लोगों ने यहाँ अपने क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा था और उनकी सैंपलिंग कराई थी, तो वो उन्हीं लोगों के हैं। और उन लोगों को चूँकि हम लोगों ने अपने क्वारंटीन व्यवस्था में रखा है, इसलिए उनसे कोई किसी फर्दर जो आगे संक्रमण की संभावना नहीं है। हॉटस्पॉट एरिया इस समय वर्तमान में 6 हैं, टोटल 60। टाइमिंग अभी फिलहाल टाइमिंग जो है वो 7 बजे से शाम को 5 बजे। सहारनपुर में शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु 1000 कॉटन के मास्क मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को भेंट किए। सहारनपुर में शुक्रवार को लॉकडाउन के चलते अलविदा जुमे की नमाज को लेकर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार ने घंटाघर जमा मस्जिद थाना मंडी क्षेत्र के गोलकोठी खाता खेड़ी में निरीक्षण कर जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को जुमे की नमाज व ईद की नमाज को घरों में रहकर मनाने के लिए भी जागरूक करने का काम किया। सहारनपुर में शुक्रवार को सहारनपुर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर मुजफ्फरपुर बिहार जाने वाली ट्रेन पर सवार श्रमिकों को मेयर संजीव वालिया तथा अनेकों समाज सेवी संगठनों ने पानी की बोतलें और भोजन के पैकेटों का वितरण किया और उनके सुखद भविष्य की कामना की। सहारनपुर के नागल में शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष अरविंद पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर, जोला, डिगोली सहित अन्य गांवों में जाकर जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया। पूरी टीम आई और पूरी टीम के द्वारा हमने गरीबों में राशन वितरित किया और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रही है, गरीबों की आवाज़ उठाई है। गरीब और मजलूम की आवाज़ अगर किसी पार्टी ने उठाई है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को शोषित, वंचित व जो
मतलब इस समाज में जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है उनकी आवाज को उठाने का अगर किसी पार्टी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमेशा मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भी कोई बात रही हो, दलितों के ऊपर शोषण रहा हो या मुजलुमों की आवाज उठाने में अगर किसी पार्टी ने साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। मेरी आपके माध्यम सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।